सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर 5 की, फूड एंड न्यूट्रिशन की। ओके, सो फूड एंड न्यूट्रिशन का एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि टिक द करेक्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये सारे जो हैं एक्सरसाइज भी हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम क्या कहते हैं निकल सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। कौन सी चीज़ है, तो वो है रफेज, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस कॉसेस ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हमें किस वजह से हो सकती है, तो विटामिन ए की कमी की वजह से क्या हो सकता है, हमें जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। डिफिशेंसी मतलब कमी की वजह से, हमें जो है विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विच आर द फॉलोइंग डिसीजेज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर, ठीक है। विच, इसमें से कौन सी जो है आपको जो ऑप्शन दी गई उनमें कौन सी डिसीजेज है जो इन्फेक्टेड ऑफ फूड और वाटर से हो सकता है, तो है जॉइंडिस, ठीक है। जॉइंडिस जो है आपको हो सकती है। रेड प्लेस स्प्रेड, मतलब रेड रेड के से जो है कौन सी बीमारी स्प्रेड होती है, तो वो है प्लेग, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ए एन एन डैश पर्सन इज पर्सनली एंड मेंटली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो कौन सा जो इंसान, मतलब कैसा जो है पर्सन है, वो फिजिकली मेंटली फिट हो सकता है, ठीक है, तो वो हेल्दी पर्सन है। यस yes, आपका आंसर आना चाहिए हेल्दी पर्सन। ओके, टैस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस वन पर्सन टू अनदर पर्सन, से कौन सी डिसीजेज हैं जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होती हैं, तो वो है नॉन कम्युनल डिसीजेज, ठीक है। नॉन कम्युनल मतलब का मतलब ही आप समझिए कि नॉन कम्युनल कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कम्युनल्स में डिसीजेज नहीं होती, मतलब पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती। बटर इज रिच इज, ठीक है, बटर किस चीज़ में रिच है, तो फैट में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। गुड हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीजेज, गुड हाइजीन जो होती है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीजेज, ठीक है। कॉलेरा इज कॉजेज बाय इन्फेक्टेड, मतलब जो कॉलेरा है वो किस वजह से हमें हो सकता है, तो इन्फेक्टेड ऑफ फूड की वजह से। ओके, नाउ ट्रू ऑफ फॉल्स, प्रोटीन गिव अस एनर्जी, यस इट इज़ ट्रू, प्रोटीन की वजह से हमें जो है एनर्जी मिलती है। ओके, नाउ रेक्ट इज कॉसेज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी, नो फॉल्स, इसकी वजह से जो है हमें नहीं होता। मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, यस ट्रू, मलेरिया के मच्छर काटने से हमें क्या होता है, वो हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ओके, मॉस्किटो को काटने वैसे में मलेरिया होता है, डेंगूज होते हैं, ये सब बीमारियाँ जो है मॉस्किटोज की वजह से होती है। पोलियो इज कॉसेज बाय बैक्टीरिया, नो फॉल्स, पोलियो किस वजह से होता है, वायरस की वजह से। रिंगवॉर्म इज कॉसेज बाय वायरस, यस इट इज ट्रू। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग, अनीमिया क्या है, तो अनीमिया जो है अनीमिया किस वजह से होता है, तो लैक ऑफ आयरन की वजह से। ओके, फैट क्या है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड है, वो फैट से क्या होता है, बॉडी जो है ग्रोथ करती है, बॉडी बिल्डिंग चीज़ है वो। रेक्स क्या है, तो लैक ऑफ विटामिन डी। ओके, विटामिन क्या है, प्रोटेक्टिव फूड्स। ओके, नाउ नाउ फिफ्थ वन, ओके, डेंगू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेंगू भी किस वजह से होता है, मॉस्किटोज की वजह से ही डेंगू होते हैं। ओके, नाउ प्रोटीन, प्रोटीन किस, प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन में क्या होता है, एनर्जी गिवन फूड, ठीक है, जो प्रोटीन है जो हम फूड खाते हैं उसमें से जो हमें एनर्जी मिलती है वो है प्रोटीन। ओके, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अब हमें दो दो एग्जाम्पल देने हैं इन सभी को, क्या होंगे वो, डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, ठीक है, कौन से डिसीजेज जो है मॉस्किटो से फैलते हैं, तो वो है मलेरिया एंड डेंगू। डिसीजेज स्प्रेड बाय माइंड, ठीक है, इससे माइंड से जो है कौन से डिसीजेज जो है फैलते हैं, वो है वायरल फीवर एंड मेसल्स, ठीक है, सॉरी माइंड नहीं है, विंड है, WING होगा, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, WING, ठीक है, मतलब एयर के थ्रू, ठीक है, तो वायरल फीवर्स एंड मेसल्स। नाउ विटामिन डिफिशेंसी डिसीज, मतलब विटामिन की डिफिशेंसी से कौन सी डिसीज हो सकते हैं, तो आई डिसीजेस एंड लूज टीथ, ठीक है, विटामिन की अगर डिफिशेंसी होगी तो आपके अंदर जो है आई डिसीजेस और लॉस टीथ जो है वो हो सकते हैं, ठीक है।
मेजर डिफिशेंसी की वजह से क्या हो सकता है, वीक बोन हो सकते हैं और गॉइटर हो सकता है आपको, ठीक है। अगर आपके अंदर डिफिशेंसीज किसी होंगी मिनरल की होंगी तो ये आपको हो सकते हैं, विटामिन की डिफिशेंसी होंगी तो आपको ये इश्यूज हो सकते हैं। ओके सी क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी, मतलब प्रोटीन जो है अपनी बॉडी की हेल्प किस प्रकार से करता है, तो किस प्रकार से करता है, प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी मेक न्यू सेल्स। प्रोटीन जो है हमें क्या हेल्प करता है, हमें न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है। और बॉडी नीड्स न्यू सेल टू ग्रो, ठीक है। आपकी बॉडी को हमेशा क्या होता है, न्यू सेल्स की जरूरत होती है, किसके लिए, ग्रो होने के लिए, लगातार ग्रो होने के लिए आपकी बॉडी को सेल की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, आपकी सेल्स को बनाता है प्रोटीन, ठीक है। एंड रिप्लेस द डैमेज सेल्स, और ये जो डैमेज सेल्स हो चुके हैं, ठीक है, जो रेयर एंड टेयर्स में जो डैमेज हो जाते हैं वो क्या होता है, उनको रिपेयर करता है। प्रोटीन आर फाउंड इन, प्रोटीन मिलता किस में, किस में है आपको, देखो आपको मीट में मिलता है, एग्स में मिलता है, फिश में मिलता है, पल्स दाल्स में मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों में आपको जो है प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिशियंसी डिसीजेस, मतलब कौन से डिफिशियंसी डिसीजेस है, नेम एनी फोर डिफिशियंसी डिसीजेस, हमें चार डिफिशियंसी डिसीजेस के नाम लेने हैं। तो पहला डिसीज कौन सा, डिसीज कॉसेस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल इन आवर डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस, ठीक है। डिफिशियंसी डिसीजेस वो हैं जो हमें कमी के वजह से, ठीक है, कमी के वजह से, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सभी कमी के वजह से जो हमें डिसीजेज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें डिफिशियंसी डिसीज कहा जाता है, ठीक है। नाउ फोर डिफिशियंसी डिसीजेज आर, मतलब अब ऐसे चार डिसीजेज जो डिफिशियंसी की वजह से, गॉइटर के बारे में बताया हमने, जो विटामिन के कमी के वजह से हो सकता है, ठीक है, एनीमिया बताया, वीक बोन्स एंड टीथ, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स आर डिफिशियंसी ऑफ डिसीजेज के। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट द डिफरेंट वे बाई विच वी कैन कीप अवर सराउंडिंग्स अवर सेल्फ हेल्दी, ठीक है, अवर सेल्फ हम किस तरीके से जो है अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, हमको क्या कितने तरीके चाहिए, दैट डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके जानने हैं हमको किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो क्या है, कीप अवर टॉयलेट नीट एंड क्लीन, अगर हम अपने टॉयलेट्स को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो बीमारियाँ कम होंगी। दिस वुड बी वॉश्ड विथ डिसइंफेक्टिव लाइक फिनॉइल्स एंड टॉयलेट क्लीनर, ठीक है, उनको हमेशा हमें डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए, किनकी किनकी मदद से, तो फिनाइल्स और टॉयलेट क्लीनर की मदद से, ठीक है। टॉयलेट क्लीनर की मदद से अगर हम अपने टॉयलेट्स को लगातार क्लीन करेंगे तो हमारे जो बीमारियाँ होंगी वो कम होंगी, जिसकी वजह से हम हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑल द फूड आइटम और स्टेबल मस्ट बी केप्ट विथ वेल कवर्ड, ठीक है, जितने भी फूड आइटम्स हम खाते हैं वो क्या होने चाहिए, वेल कवर होना चाहिए, वरना उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, हवा के विंड्स के वजह से खराब हो जाते हैं हवा के वजह से। वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग शुड बी ए बॉयल, जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, जो हम वाटर पीते हैं, जो नॉर्मल हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं वाटर, वो क्या होना चाहिए, बॉयल्ड होना चाहिए, टोटली बॉयल्ड होना चाहिए वो। ओके फोर्थ का क्या है, द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन, जो आपका घर है और आपका जो सराउंडिंग्स है जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, वो सब का सब क्या हो जाए, बराबर क्लीन होना चाहिए, वरना उसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर सराउंडिंग्स क्लीन नहीं हुए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कई सारी बीमारियाँ आ सकती है, जैसे कि वहाँ मच्छर पनप सकते हैं, ठीक है, मॉस्किटोज आ सकते हैं, मॉस्किटोज की वजह से आप जैसा कि जानते ही हैं कि डेंगूज मलेरिया ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो है डिसीजेस होती हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, ये सारे तरीके क्या है, ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स अपने आप को जो है हेल्थी रख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या है, आप लोगों ने कई बार आज कोरोना के इस माहौल में तो आपने कई बार ही सुना ही होगा व्हाट इज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, तो चलिए आज पढ़ ही लेते हैं कि क्या है वैक्सीनेशन, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि कम्युनल डिसीज हमें बताता है कि ये जो कम्युनल, कोरोना भी तो एक कम्युनल डिसीज ही है, राइट, कोरोना भी क्या होता है कि एक दूसरे से दूसरे का जो है फैलता है, ठीक है, तो वैक्सीनेशन से क्या कर सकते हैं, कम्युनल डिसीजेस को रोक सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वीक, वेरी वीक जर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीजेस, ठीक है, वैक्सीनेशन जो होते हैं बहुत कमजोर जो पर्टिकुलर डिसीजेस होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं छोटे क्वांटिटीज में, ठीक है। वैक्सीन आर इंजेक्टेड टू द बॉडी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, वैक्सीन जो होते हैं बच्चों के चिल्ड्रंस में, मतलब बच्चों के बॉडी में जो है इंजेक्ट किए जाते हैं। वेन देर एंटर द बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ फाइटिंग द जर्म्स ऑफ द डिसीज, ठीक है, जैसे ही ये वैक्सीन्स बॉडी में जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस बनाने लगते हैं जो हेल्प करते हैं फाइटिंग में जर्म्स एंड डिसीजेस के जो हमारे बॉडी में एंट्री करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैक्सीनेशन के फायदे हैं।
ना फिफ्थ का, व्हाट आर कम्युनल डिसीजेस, हाउ डू दे पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज कम्युनल डिसीजन, उसके बाद हम जानेंगे किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये पास होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कम्युनल डिसीजन क्या है। कम्युनल डिसीजन आर दोज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। कम्युनल डिसीजन ये होता है जो एक पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता हो, ठीक है। दिस डिसीज आर कॉसेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता कॉल्ड जम्स, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, जम्स बोलते हैं। दे कैन बी सीन ओनली अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये सारे जम्स किसके द्वारा देखे जा सकते हैं, खाली पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, ओके। चलिए नाउ सिक्स क्वेश्चन, वॉट इज हाइजीन, ठीक है। वॉट इज हाइजीन, गिव स्टेप फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, ठीक है। पहले हम जानेंगे वॉट इज हाइजीन, हाइजीन है क्या, उसके बाद हम देखेंगे गिव स्टेप फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, हम किस तरीके से जो है हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला हाइजीन पढ़ेंगे हम लोग। हाइजीन में भी डिफाइंड हैज प्रैक्टिस दैट हेल्प इंश्योर क्लीननेस एंड गुड हेल्थ, ओके। गुड हेल्थ, गुड हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीजेस। द फॉलोइंग स्टेप कैन बी हेल्प मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। हाइजीन क्या होता है, हाइजीन वो होता है जो डिफाइन करे, ठीक है, कि किस तरीके से आपके यहाँ की क्लीननेस, आपकी गुड हेल्थ है, ठीक है। गुड हाइजीन ये बताता है कि आप, गुड हाइजीन आपको हमेशा प्रिवेंट करता है किससे, डिसीजेस से। गुड हाइजीन हमेशा आपको प्रिवेंट करेगा डिसीजेस से, ठीक है। अगर आप ज़्यादा हाइजीन रखते हैं अपने यहाँ पे, तो आपको डिसीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको इन्फेक्शन होने के, डिसीज होने के, या फिर कोई भी अलग तरीके की डिसीज होने में जो है आप बच सकते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से जो है हाइजीन रख रहे हैं अपने आस पास और अपने पास, ठीक है। कुछ स्टेप्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। पहला तो है जो है हमें अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखने चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर हेयर एंड कीप अवर नेल्स ट्रिम, ठीक है। हमेशा अपने को, हमें जो है अपने हेयर्स और नेल्स का जो है हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अक्सर क्या होता है, बच्चों के नेल्स बड़े होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें जम्स जो है, बाहर के कचरा जो होता है, ठीक है, वेस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं या कुछ होता है तो इनडायरेक्टली हमारे माउथ के थ्रू हमारे स्टमक में चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए कि हमारे नेल्स को हमेशा हमें ट्रिम करके रखना चाहिए, हमें हेयर्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर टीथ, हमें अपने टीथ को हमेशा से अच्छे से ब्रश करना चाहिए और हमेशा जो हमें टेक केयर करना चाहिए अपने टीथ्स के, राइट। नाउ फोर्थ क्या है, वी शुड हैव ए बाथ डेली, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, डेली जो है बाथ करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वॉश हैंड, हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने वो हैंड जो है अच्छे तरीके से वॉश करें, विद द सोप बिफोर हैविंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, ठीक है। हमें जो अपने हाथों को अच्छे तरीके से सोप से धोना चाहिए खाना खाने से पहले और टॉयलेट से आने के बाद, ठीक है। टॉयलेट से आने के बाद तो खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, थैंक यू।